कौन बनेगा करोड़पति सीजन 50 अभी जोर से चल रही है दोस्तों। जहां पर जनगणना फॉर्म भरने वक्त अपनी जाति की जगह ए लिखते हैं बिग बी, बताया केबीसी में क्या खुलासा दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल जी के एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड, कौन बनेगा करोड़पति बीते एपिसोड में जनगणना फॉर्म जाति जगह के दोस्तों भारतीय लिखते हैं ए, बताया अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ बच्चन की बेस्ट रिलेटिव शो कौन बनेगा दर्शकों के बीच खुलासा लोकप्रिय है। इस समय बिग बी की प्रतिभागियों के सवाल तो पूछते ही है, साथ ही साथ काफ़ी दिलचस्प चर्चा भी करते हैं दोस्तों। इसके अलावा वो खुद भी अपनी जिंदगी से जुड़े कोई राज समझा करती है, ऐसा कुछ केबीसी सीजन 50 में शो हालिया एपिसोड में देखने को मिला। बिग बी ने खुलासा किया कि जनगणना फॉर्म में जाति की जगह क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं दोस्तों। देखिए, इस बार फर्स्ट फिंगर फर्स्ट जीतकर मधुरिमा आपते की पहली हॉट सीट पर आने का प्रतिभागी बन गई। मधुरिमा ने स्वागत के बाद अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछा, मधुरिमा जी आपका पूरा नाम नहीं जानती हूँ। इस पर मधुरिमा ने जवाब दिया, ये श्री मधुरिमा ही है, मैंने फैसला किया कि मैं सरनेम का इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि ये जाति का भेदभाव पैदा करता है। मधुरिमा के ये बात सुनकर अमिताभ बच्चन ने उनकी काफ़ी सराहना की। बिग बी ने आगे कहा, मेरे पिता ने भी अपना पेन नेम यानी बचपन ही अपना सरनेम रखा लिया था जिससे कास्ट और धर्म जैसी बधाई ना हो, मैंने भी अपने पेरेंट्स की इस प्रथा को कायम रखा। अमिताभ बच्चन ने बताया, जब मैंने स्कूल में एडमिशन लिया था तो सरनेम बच्चन ही लिखवाया। बिग बी ने आगे बताया कि वो जनगणना फॉर्म में जाति की जगह भारतीय लिखते हैं। उन्होंने कहा, जब सेसस फॉर्म यानी जनगणना फॉर्म भरना होता है तब मैं कास्ट कॉलम भरने से मना कर देता हूँ। अगर ऑफिशियल सवाल करते हैं तो कहता मैं किसी जाति से नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ और भारतीय रहूँगा। बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 50 के रात 9 बजे सोमवार से शुक्रवार सोनी टीवी पर प्रसारित होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसी कारण से दोस्तों श्री अमिताभ बच्चन जनगणना फॉर्म में अपने जाति की जगह भारतीय लिखता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम हो चुका है किस कारण से दोस्तों श्री अमिताभ बच्चन अपने जाति की जगह दोस्तों जनगणना फॉर्म में भारतीय लिखते हैं। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता वीडियो को लाइक करें, ज्यादा दोस्तों की वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते दोस्तों किसी वीडियो में, तो जल्दी सबसे टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।